उन पर बॉर्डर पर किसी ने रक्षा की? किसी जाति ने नहीं की। राजपूती था जो जाकर के खट्टा मरा। सैकड़ों सालों से जितना हम इतिहास देख रहे हैं, किसका इतिहास है वो? ये राजपूतों का इतिहास है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास रहता ही नहीं। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 से 10 हजार लोगों का आने का अनुमान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, विभिन्न राज्यों के लोग इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन है। महाराणा प्रताप के जिन आदर्शों से पूरा देश प्रेरित है, उन्हीं के ऐसे महान वीर शिरोमणि के इस जन्मोत्सव। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप जयंती पर दिल्ली में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, जिसको लेकर तैयारियों पर की गई चर्चा। आज की नई पीढ़ी महाराणा प्रताप के इतिहास से अनभिज्ञ है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य है कि नई पीढ़ी यह जाने कि महाराणा प्रताप क्या थे, प्रताप हिंदू सम्राट क्यों बने, प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की। इन सब चीजों को जानने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा रविवार 21 मई को सुबह 10 बजे से दिल्ली के महाराणा प्रताप भवन, चेतक चौक से कश्मीरी गेट, कुदेशिया पार्क तक प्रस्थान करेगी। यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल जी ने आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार, आरके जायसवाल के साथ। भदौरिया साहब, शोभा यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां हो चुकी है अभी तक? महाराणा प्रताप की जयंती की इस शोभा यात्रा की तैयारियों के लिए हमारे दिल्ली के समस्त संस्थाएं एक साथ इस बैनर के नीचे लगी हुई हैं। हर संस्थाओं से संपर्क कर रहा है। जितने क्षत्रिय राजपूत परिवार हैं और महाराणा प्रताप प्रेमी हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये भव्य आयोजन है। ये आयोजन महाराणा प्रताप भवन से शुरू होकर कुदसिया पार्क में समाप्त तो होगा। लगभग 12 किलोमीटर का ये रोड है और रोड 9 बजे शुरू होगा यहाँ से और 12 बजे समाप्त तो होगा। इस कार्यक्रम में लगभग 5 से 10 हजार लोग आएंगे। ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से शुरू हो जाएगा। ट्रैक्टर, घोड़ों से, बाइकों से, फोर व्हीलर से लोग इस यात्रा में जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्षत्रिय समाज सदैव देश के प्रति रहा है। महाप्रताप का इस देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके आदर्शों को चलते हुए युवा पीढ़ी देश के प्रति आगे रहे, यही हम इस कार्यक्रम का आयोजन है। ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक पहुँचेगी और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, इसमें लगभग दिल्ली और दिल्ली के NCR के जो जितने भी क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय राजपूताना, क्षत्रिय संघ हो, चाहे अन्य कोई भी संस्था हो, सभी संस्था के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य इसमें शामिल होने वाला है। और उसके अलावा जो वरिष्ठ हमारे लोग आने वाले हैं, उन सभी लोगों से बातचीत चल रही है। लगभग बहुत सारे गणमान्य लोगों की आने की जो है हम लोगों को उम्मीद है। तो जो लोग भी आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य कोई गणमान्य, कोई बड़ा आदमी आए, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि हम सब लोग मिलकर एक भाईचारा की तरह महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाएं और इस जो शोभा यात्रा को जो परिरूप है, इसको हम कामयाब करें। इसको कामयाब करने में ही हम सबकी शक्ति का जो प्रतीक है, वो हम सबको एक दूसरे को मतलब सहयोग करेगा और शक्ति देगा। और राजपूताना शक्ति तो एक ऐसी शक्ति है पूरे हिंदुस्तान को चलाती है, आप जानते हैं। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। एक साथ मिलकर महाराणा प्रताप जी की जयंती और शोभा यात्रा में आना चाहिए। बस यही मेरा आप आग्रह। इस रैली के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयत्न किया जाएगा कि देश की संस्कृति और रक्षा करने के लिए, साहित्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए राजपूतों ने ही अपना योगदान दिया था। हजारों साल पहले जितने आताताई, आक्रांता, विदेशी मिले थे जो आए, उन पर बॉर्डर पर किसी ने रक्षा की? किसी जाति ने नहीं की। राजपूती था जो जाकर के खट्टा मरा। सैकड़ों सालों से जितना हम इतिहास देख रहे हैं, किसका इतिहास है वो? ये राजपूतों का इतिहास है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में से राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास रहता ही नहीं। इसलिए ये जागृति लाई जाएगी उनमें
ये रैली के माध्यम से अब खड़े हो जाइए, क्योंकि जितने विदेशी अब भी यहाँ पर आ रहे हैं चारों तरफ से, तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार भी इसी ओर ध्यान दे कि जिस खेत के अंदर अगर बाड़ नहीं लगाओगे तो जंगली जानवर उसमें घुसेंगे ही घुसेंगे। अब मैं विशेष रूप से किसी जात या कौम का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खुद इस देश के आदमी ऐसे हम देखिए, हम एक जयचंद को कोसते हैं, जयचंद ने उसका साथ दिया विदेशी का, लेकिन वो जयचंद एक था, लेकिन अब हजारों जयचंद घूम रहे हैं यहाँ, जो हमारी संस्कृति को सभ्यता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और विदेशियों से मिले हुए हैं। इसलिए अपने राजपूत भाइयों को ये जागृति लानी है, अब खड़े हो जाइए इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, आपको ही खड़ा होना है और आपको ही करना है। महाराणा प्रताप जी किसी एक जाति के नहीं थे, वो पूरे देश के सर्वप्रथम थे। उन्होंने हर जाति हर धर्म का साथ दिया और हर जाति धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, और ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है ये किसी एक संगठन किसी एक उससे नहीं है, ये समस्त राजपूत भाई समस्त देशवासियों की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने देशवासी हैं, जो भी राजपूत भाई या सभी जो भी महाराणा प्रताप जी के प्रेमी हैं, वो इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं ठाकुर पवन कुमार सिंह राजावत, अध्यक्ष क्षेत्रीय शक्ति संगठन और इस जो शोभा यात्रा का महामंत्री भी हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो महाराणा प्रताप जी हमारे लिए कर गए, या हमारे बच्चों को उनसे सीखना चाहिए, कुछ भी नहीं है वो, उसका एक छोटा सा प्रयास है जो हम करना चाह रहे हैं, उनको याद करके कि जो उन्होंने भारत देश के लिए पहले किया है, घास की रोटी तक खाई, जंगलों में रहे, पूरे अपने आलीशान राजमहल छोड़े, सारे अपने ऐश्वर्य छोड़ दिए, किसके लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए, कि आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा कोई कष्ट ना हो। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, उनकी जो 483वीं जयंती है उसको जन्मोत्सव और एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में मनाने का, कि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है। सिर्फ हम अपने बच्चों को सही राह पे लाने के लिए, हम अपनी नारी शक्ति को बताने के लिए, क्योंकि हमारे इतिहास को जो छेड़छाड़ करके बदला गया है, तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, महाराणा प्रताप जी का नाम जानते हैं लेकिन उन्होंने क्या किया ये नहीं जानते हैं। तो हम इस जरिए कि एक महाराणा प्रताप जी हमारे लिए और देश के लिए क्या क्या करके गए हैं, किया सबके लिए है पर जो देश के लिए करके गए हैं, वो हम अपने बच्चों को बताएं और बच्चों से आग्रह करें कि उनके पद चिन्हों पर उनका अनुसरण करके चलें। वो बहुत महान विभूति थे, वीर शिरोमणि थे, देश का गौरव थे, हम वो तो नहीं हो सकते, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं हो सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते, एक प्रयास कर सकते हैं कि जो उन्होंने किया है वो हम अपने देश में थोड़ा सा जागरूकता ला के और उस पर चलने का प्रयास करें। और सभी भाइयों से, सभी नारी शक्ति से, सभी बुजुर्गों से, सबसे यही अपील है, सभी पूरे समाज से, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि महाराणा प्रताप जी की जो जन्मोत्सव की शोभा यात्रा है वो बस ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, और बस यहाँ से अपना केशवपुरम से लेके महाराणा प्रताप बस अड्डा जो उनकी मूर्ति है वहाँ पे समापन होगा। सुबह 9 बजे यहाँ इकट्ठे होने का टाइम है, 9:30 बजे तक अपने तैयारी करने के बाद और बस निकलने का समय है, उसके बाद में पूरी यात्रा महाराणा प्रताप बस अड्डे कुदसिया पार्क तक रहेगी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनसैलाब आए, बस यही अपेक्षा है, और आपसे भी आग्रह रहेगा कि आपको भी ये थोड़ा सा दिखाने की कृपा करें ज़रा कि महाराणा प्रताप जी की भव्य शोभा यात्रा कैसे दिखाते हैं। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे, महाराणा प्रताप जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसके कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।